हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड लूप के बारे में। इससे पहले हम लोग व्हाइल लूप पढ़ चुके हैं, फॉर लूप देख चुके हैं, ठीक है ना। और अब है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में क्या होता है कि नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप। कहने का मतलब है कि भाई आपने कोई एक लूप लिया, जैसे फॉर लूप लिया, ठीक है, फॉर लूप दिया, और उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी बॉडी में जाते हैं। तो आपको जब उसकी बॉडी में जा रहे हैं तो वहां पर आपने दूसरा एक फॉर लूप यूज किया है, ठीक है। मतलब इस लूप के अंदर कौन सा है, ये वाला लूप है। उसके बाद फर्दर अगर आप इसका अगला और लूप यूज करना चाहते हो तो आपने इस लूप के अंदर भी दूसरा एक लूप लिया, ठीक है ना। उसकी बॉडी के अंदर एक लूप और है। तो मतलब पहला लूप लिया, उसकी बॉडी में जब गया तो वहां आपको दूसरा लूप मिला, ठीक है। तो आप दो लूप यूज कर रहे हो। तो वही लिखा गया कि नेस्टेड लूप इज अ लूप, एक लूप ही होता है लेकिन इनसाइड अ लूप, ठीक है ना। उसके अंदर एक लूप और मिलेगा आपको, तो वही होता है हमारा नेस्टेड लूप, ठीक है। एग्जांपल्स इसको समझते हैं। मान लीजिए एक लिस्ट बनाई गई, लिस्ट L1 हमने बनाया, ठीक है ना। एक वेरिएबल लिया L1 नाम का, एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उसमें कुछ एलिमेंट दे दिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी कॉमा डी, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट दे दिए। और एक दूसरी लिस्ट लिया L2, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नाम दे दिए, जैसे अंकित कॉमा शिवम कॉमा राम सत्यम, ठीक है। दो लिस्ट बना दी गई है, L1 और L2, ठीक है। दोनों में हमने एलिमेंट को डाल दिए हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि भाई दोनों लिस्ट प्रिंट हो, ठीक है, और वन बाय वन, ठीक है, पहले ए हो, ठीक है, और उसके साथ सारे एलिमेंट प्रिंट हो हमारे, अंकित शिवम राम सत्यम, ठीक है। उसके बाद फिर बी आए, और उसके बाद बी से सारे एलिमेंट वन बाय वन प्रिंट हो साथ में उसके, कुछ इस तरीके से आउटपुट चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, दो लूप चलाना पड़ेगा, एक ये लेके चलेगा ABCD लेके चलेगा, ठीक है, और एक ये वाला प्रिंट करेगा नाम वाला, ठीक। देखते हैं, हमने पहले लिया फॉर, एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए हमने लिया आई, आई इन L1 कोलन लगाया, आई वेरिएबल को लिया और उसको कहां डाला है हमने, L1 वाली लिस्ट, लिस्ट L1 जो पहली लिस्ट है, यहां हमने आई दे दिया है, ठीक है ना। यहां आई काम करेगा आपका L1 में, ठीक है। उसके बाद ये फॉर लूप जब मिला, उसके बाद जैसे हमने एंटर किया, हमने इसकी बॉडी में एंटर किए। जब इसकी बॉडी में एंटर करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंडेंटेशन छूटेगा, ठीक है, यहाँ स्पेस मिला आपको। और उसके बाद यहाँ पर हमने दूसरा फॉर लूप यूज किया, फॉर फिर एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए हमने लिया जे इन L2, लिस्ट 2 के लिए हमने जे लिया है, इसके लिए हमने लिया है वेरिएबल जे। देखिए यहां के लिए हमने एक वेरिएबल लिया आई और यहां के लिए ले लिया है जे, ठीक है। आई हमारा लिस्ट 1 के एलिमेंट्स को लेकर चलेगा और जे हमारा L2 के जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, इस लिस्ट के, उसको लेकर चलेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए इसकी बॉडी के अंदर ये है और उसके बाद फर्दर अब इसकी बॉडी की मिलेगी हमको, तो हमने यहाँ स्पेस मिलेगा, इंडेंटेशन मिलेगा, और हमने प्रिंट किया, हम दोनों के एलिमेंट प्रिंट चाहते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया प्रिंट आई कॉमा जे, आई वेरिएबल और जे दोनों की वैल्यू को प्रिंट करे साथ में, आई कॉमा जे, ठीक है। इसकी बॉडी ये है और इसकी बॉडी में क्या मिल रहा है आपको, ये फॉर लूप भी मिल रहा है, ठीक है, ये वाला फॉर लूप मिल रहा है। तो मतलब पहला फॉर लूप ये है और दूसरा फॉर लूप कौन सा, ये वाला है, ये वाला पहला फॉर लूप, दूसरा, दो फॉर लूप हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या फॉर लूप के अंदर फॉर लूप मिल रहा है हमको, तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लूप, ठीक है ना। इसको नेस्टेड फॉर लूप बोला जाएगा, एक फॉर लूप है उसके अंदर ही दूसरा फॉर लूप मिल रहा है, ठीक। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसे आएगा। तो देखिए पहला फॉर लूप चलेगा फॉर आई इन लिस्ट 1, आई इन लिस्ट 1 में आई की वैल्यू, पहला आई हमारा लिस्ट 1 में एंटर किया तो आई की वैल्यू हो गई है ए, ठीक है, आई की वैल्यू हमारे इस समय ए। उसके बाद जैसे इसकी बॉडी में एंटर किए फॉर जे इन लिस्ट 2, जे हमारा एंटर कर गया लिस्ट 2 के अंदर, तो पहले एलिमेंट के पास पहुंच गया जे, तो जे की वैल्यू हो गई हमारी अंकित, ठीक है। तो
आउटपुट क्या प्रिंट करना है, उसके बाद इसको अगला स्टेटमेंट देखेगा कि प्रिंट आ गया, प्रिंट में क्या लिखा हुआ आई कॉमा जे, तो आई कॉमा जे मतलब ए कॉमा अंकित, ठीक है ए कॉमा अंकित, ठीक है। उसके बाद फिर से अभी यहां नहीं जाएगा, पहले इस वाले एलिमेंट को जब तक ये खत्म नहीं हो तब तक ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर लूप नहीं पहुंचेगा जब तक कि ये वाला फॉर लूप आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये आप एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि भाई यहां इसके अंदर आप इसमें आ गए हो। अब यहां आने के बाद जब तक ये फॉर लूप कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप वापस सबसे ऊपर वाले उसके जो पैरेंट फॉर लूप है वहां नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट होगा, अब क्या होगा, अभी आई की वैल्यू ए ही है, ठीक है, आई की वैल्यू ए ही है, जे फिर इंक्रीमेंट होगा, भाई इसने पहले ये किया अब ये क्या इटरेट कर रहा है ना वन बाई वन, तो जे की वैल्यू अब यहां से उठ करके यहां आ जाएगी, अब जे हो जाएगा हमारा सीवम, तो होगा ए, फिर प्रिंट करेगा आई की वैल्यू तो ए ही रहेगी हमेशा, और जे की वैल्यू जाएगी अब सीवम, ठीक है। उसके बाद फिर होगा, फिर से वापस जाएगा यहां पे जे की ए की आई की वैल्यू तो ए ही रहेगी और जे की वैल्यू जाएगी अब की बार राम राम, ठीक है, फिर फर्दर एक ऐसे रहेगा और ये सत्यम हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट हुआ। अब सारे एलिमेंट इसके क्या हो गए, इस जे वाले एल टू के सारे एलिमेंट ये सारे के सारे प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है, तो वापस जाएगा ऊपर वाले फॉर लूप मेन लूप में, ठीक है, वहां पर जाएगा आई हमारा क्या होगा अब इंक्रीमेंट करेगा, अब ये आगे रिटेट करेगा, तो आई की वैल्यू अब यहां से उठ करके यहां आ जाएगा ये वेरिएबल, और अब आई की वैल्यू जाएगी बी, ठीक है, अब आई की वैल्यू हो गई हमारी बी, अब बी ऐसी होगी, फिर इसके अंदर इसकी बॉडी में आएगा तो मिलेगा आपको जे इन एल टू, जे हमारा एल टू में गया और सबसे पहले जे की वैल्यू हो गई अंकित, तो बी मिला और यहां पे मिला कॉमा, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू अब बी हो चुकी है, ठीक है, आई की वैल्यू बी हो चुकी है और जे की वैल्यू फिर से स्टार्ट करेगा अंकित, ठीक है, फिर ये तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, आई इंक्रीमेंट नहीं होगा तब तक कि खत्म नहीं हो जाएगा, फिर बी शिवम, ठीक है ना, वन बाई वन चलता रहेगा, ठीक है, बी कॉमा राम, बी कॉमा सत्यम, ठीक है, फिर ये खत्म होगा, जैसे ही एल टू खत्म होगा तो वापस ऊपर वाले अपने मेन लूप में आएगा, अब आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट करेगी, अब बी से आई की वैल्यू जाएगी सी पे, ठीक है, तो फिर सी, और जैसे ही एंटर करेगा तो मिलेगा जे इन एल टू, फिर जे एल टू में चला गया हमारा और जे की वैल्यू हो जाएगी अंकित, फिर अंकित जो ये वाला लूप है आपका एल टू वाला ये पूरा प्रिंट करेगा, फिर लास्ट तक सी हमारा जाएगा सत्यम तक, ठीक है। उसके बाद फिर से पूरा ये वाले लिस्ट खत्म होने के बाद फिर हमारा जो मेन फॉर लूप आएगा ऊपर वाले आई वाले में, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा सी से हमारा आई तक पहुंचेगा, डी में आ जाएगा, अब आई की वैल्यू डी हो जाएगी और डी होने के बाद क्या होगा डी, और उसका जैसे फिर एंटर करेंगे जे इन एल टू, फिर प्रिंट करना शुरू करेगा आई और जे, आई की वैल्यू हमारी डी हो चुकी है और जे की वैल्यू वन बाई वन ऐसे ही अंकित, ठीक है, डी कॉमा शिवम, ठीक है, डी कॉमा राम, ठीक है, और डी कॉमा सत्यम, इस तरीके से कुछ प्रिंट होगी, ठीक है ना, वन बाय वन प्रिंट होता जाएगा। अब जैसे ये खत्म होगा वापस मेन उसमें जाएगा और देखेगा एल वन में सारे एलिमेंट सब प्रिंट हो चुके हैं, आप लूप से बाहर हो जाओगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। दो लूप एक साथ यूज किए जा रहे हैं, पहला लिस्ट बनी ये है, दूसरी लिस्ट ये बनी है, एक वेरिएबल हमने यहां पे लगाया है इस लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है ना, और एक वेरिएबल हमने L2 के लिए यूज किया है। पहला फॉर लूप चलाया हमने इस वाले में I in L1, ठीक है ना, और दूसरा जैसे एंटर किए इसकी बॉडी के अंदर, पहले फॉर लूप के बॉडी के अंदर हमने दूसरा फॉर लूप लिखा और वहां पर वेरिएबल लिया है J, जो कि हमारे लिस्ट 2 में चल रहा है, ठीक है, तो पहले आई की वैल्यू पहले एलिमेंट में जाएगी L1 वाले में, तो आई की वैल्यू ए हो गई, उसका जैसे इसकी बॉडी में मिलेंगे हम जाएंगे हम लोग, तो वहां आपको एक वेरिएबल मिलेगा जो कि L2 में चल रहा होगा, ठीक है, तो जे हमारा क्या है वन बाय वन एक एक एलिमेंट पे क्या मूव करता जाएगा और वो आउटपुट देता जाएगा, ठीक है। और हमने प्रिंट में क्या लिखा है आई कॉमा जे, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट करे और जे की वैल्यू भी प्रिंट करे, ठीक है, अगर आप इसमें से आई हटा दोगे तो आई की वैल्यू जो ए बी सी डी ऐसे वन बाय वन आ रही है ये नहीं आएगी, सिर्फ जे की वैल्यू यही प्रिंट करता जाएगा बार बार, ठीक है, कब तक करेगा, जब तक कि ए की जो आई वाले एलिमेंट जो आई जो वेरिएबल लिया है उसके सारे एलिमेंट ये प्रिंट नहीं करवा देता, ठीक है, तब तक वन बाय वन लूप आपका चलता रहेगा। तो ये होता हमारा नेस्टेड लूप। एक एग्जांपल अगर और लेना चाहें,
रेंज वाला, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं। हमने लिया फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 1 to 4 ले लिया, मान लीजिए कोलन लगा दिया। देखिए रेंज वाला फंडा क्या है कि आपने अब कोई भी रेंज, जैसे हम समझ लेते हैं, हमने लिया फॉर आई इन रेंज लिख दिया 6, ठीक है। तो पाइथन में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग होती है रेंज की, ठीक है ना, जो नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और ये हमने 6 लिखा है, तो उसके हमने क्या किया, प्रिंट किया, प्रिंट आई को, इस आई वेरिएबल को, तो आई वेरिएबल क्या है, इस रेंज में हमने डाल दिया है। तो ये स्टार्टिंग कहां से हुआ, हमने स्टार्टिंग नहीं बताया इसमें, सिर्फ उसकी टोटल रेंज दे दिए 6, तो 0 से लेकर के 5 नंबर तक के सारे वैल्यूज होंगी, प्रिंट होंगी, जिसका आउटपुट क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। लास्ट जो इंडेक्सिंग दी है आपने, जो भी लास्ट वैल्यू दी है रेंज उसकी 6 वाली, ठीक है ना, वो 6 वाली डिस्कार्ड कर जाएंगी, वो नहीं प्रिंट होती है, उससे जस्ट पहले तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। आपको अगर 6 भी प्रिंट करना है तो आपको यहां देना पड़ेगा 7, ठीक है, तो ये आउटपुट मिलेगा हमको 6 तक। या मान लीजिए आपको अगर 10 तक देना है ना, तो आप यहाँ रेंज में क्या दे दोगे, 10 दे दोगे तो 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा, और आपको अगर 10 भी लेना है तो यहाँ पे रेंज लिखी है 11, ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 10 तक प्रिंट करेगा। तो ये चीज हो गई। और अगर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों देना है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपने लिख दिया 2 से लेकर के 9 तक लिख दिया, ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रिंट लगा दिया, प्रिंट आई, आई को प्रिंट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग कहां से करेगा प्रिंट करना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 2 से लेकर के 8 तक जो भी एंडिंग होगी उसकी एक पहले तक ही वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है, तो 2 से लेकर के 8 तक आउटपुट मिलेगा, नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये रेंज इस तरीके से होता है। अब वही उसी का एग्जांपल ले लेते हैं नेस्टेड के लिए अगर, ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, हमने लिया फॉर आई इन रेंज 1, 4, स्टार्टिंग ये लेगा और एंडिंग हमारी ये लेगा, ठीक है, उसका एक दूसरा फॉर लूप लगाया यहां पे, फॉर जे इन रेंज 1 to 4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट किया, इस लूप के बॉडी में आए और यहां लगा दिया प्रिंट, लिखा आई इन टू जे, आई इन टू जे, कॉमा लगाया लगाया एंड इज इक्वल टू, सिंगल इनवर्ट कॉमा लगा के छोड़ दिया गया। उसके बाद इसकी इस वाले जो लूप है इसकी बॉडी ये है, इस बॉडी से बाहर आया और इसमें लिख दिया, इसकी बॉडी में हमने प्रिंट, ठीक है। तो देखिए ये जो चीज जब समझ में आ रहा होगा कि हमने रेंज कैसे लगाई है, 1 से 4 लगा दिया गया, मतलब जो भी वैल्यू लेगा ये प्रिंट करेगा 1 से 3 तक जाएगी, तो वैल्यू लेगा 1 से 3 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। यहां पर भी वही चीज होगी, यहां पर भी वही चीज होगी, दोनों उसमें, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप यूज किया जा रहा है क्योंकि पहला फॉर लूप ये है और उसकी बॉडी के अंदर दूसरा एक फॉर लूप मिल रहा है आपको, ठीक है, दो फॉर लूप हो गए। अब देखिए तो यहां प्रिंट स्टेटमेंट लिखा गया है, इस प्रिंट में देखिए हमने लिया है आई इंटू जे, आई की वैल्यू जो हो रही होगी और उसके साथ इंटू करेगा जे की वैल्यू, वो हमको आउटपुट मिले, और जो एंड इज इक्वल टू, और इनवर्ट कॉमा लगा दिया गया है, ब्लैंक छोड़ दिया गया है। तो यहां पर क्या है, मतलब कि देखिए पाइथन में होता है क्या कि बाय डिफॉल्ट जैसे उसको प्रिंट स्टेटमेंट मिलता है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है हमारे कर्सर, ठीक है। तो मतलब जैसे आउटपुट मिल रहा है ना, 1 से 3 प्रिंट करेगा तो 1, 2, 3 ऐसे प्रिंट करेगा, ठीक है ना, उस एक ही लाइन में प्रिंट नहीं करेगा वो चीज, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, एंटर कर लेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई वो नेक्स्ट लाइन में एंटर ना करे, वो 1, 2, 3 कुछ इस तरीके से लाइन बाय लाइन प्रिंट करे, ठीक है, ऐसा ना हो करके कुछ इस तरीके से प्रिंट करते जाए, ठीक है। और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो अगला प्रिंट मिलेगा तो वो एंटर कर जाएगा नीचे, ठीक है, अगली लाइन में। तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आएगा। देखिए पहला फॉर लूप में क्या, हमने आई लिया एक वेरिएबल, उसको रेंज दे दिया 1 से 4 तक, मतलब जो पहला वाला आई होगा, अभी आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू पहले होगी 1, ठीक है, पहली 1 हो गई। उसके बाद दूसरे फॉर लूप में आया, जैसे इसके अंदर बॉडी में गए तो वहां मिला हमको जे इन रेंज
वन, अब जे की वैल्यू हो गई वन, अभी आई की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू भी वन हो गई है। उसके बाद सेकंड वाले फॉर लूप के वैसी बॉडी में एंटर की, यहां हमको मिला प्रिंट स्टेटमेंट और वहां लिखा हुआ आई क्रॉस इंटू जे, ठीक है ना। तो आई इंटू जे मतलब आपको क्या है, वन इंटू वन की वैल्यू चाहिए, तो ये मिल रहा होगा हमको वन, ठीक है, वन मिला। अभी हमने होल्ड करके रखा है, हमने एंड लगा रखा है, मतलब कि आपका कर्सर अभी नीचे एंटर ना करे अगली लाइन में, ठीक है, अभी होल्ड करके रखा गया। कब तक? कब तक? जब तक कि ये फॉर लूप कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, जब तक ये रेंज कंप्लीट है तब तक कि आपका जो कर्सर होगा वो होल्ड करके रहेगा आपका, ठीक है। तो पहला आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वन मिला, और उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा इसमें अपने फॉर लूप में जे वाले में, और यहाँ पे फिर से देखेगा अब आई की वैल्यू कितनी जाएगी, जे आई की वैल्यू तो वही रहेगी आपकी वन, क्योंकि हम लोग इस वाले में गए, तो यहाँ आई की वैल्यू वन से बढ़ करके अब हो जाएगी टू। जैसे टू हुई तो फिर देखेगा आई की वैल्यू तो वन ही है, तो वन इंटू टू ये हो गई टू, ठीक है। उसके बाद फिर से फर्दर इसमें गया, यहां देखा आई की वैल्यू अभी भी फोर तक है, तो मतलब थ्री तक जाएगी, तो जे की वैल्यू हो गई हमारी थ्री, आई की वैल्यू वन ही है अभी, तो ये हो गई थ्री, थ्री वन इंटू थ्री ये हो गया थ्री। जैसे ही फॉर लूप की रेंज खत्म हुई आप आ जाओगे इस वाले स्टेटमेंट में, इस प्रिंट में, जिसको ये प्रिंट मिल जाएगा तो आपका जो कर्सर होगा यहां पे आ जाएगा नीचे नेक्स्ट लाइन में। इसलिए यहां पर हमने एंड लगाया था और यहां हमने प्रिंट लगाया था, ताकि देखिए अगर हम ये एंड हटा देते हैं तो ये क्या होगा, वन टू थ्री जो इस लाइन में ऐसे आया है ना वन बाय वन, ये क्या होगा, ये एंटर करके वन टू थ्री ऐसे ले लेगा, ठीक है। तो हमें चाहिए कि भाई एक लाइन में पूरा एक चीज आए, फिर अगली लाइन में दूसरा आए, तो प्रिंट मिला, आप नीचे लाइन में आ गए अगली। अब यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू वन से बढ़कर क्या हो जाएगी टू, और आई की वैल्यू हो गई वन से बढ़कर टू, अब टू हो गया। अब जैसे इसके अंदर आया इसकी बॉडी में, तो यहाँ मिला फॉर जे इन रेंज वन, अब आई जे की वैल्यू कितनी हो गई इस समय, वन हो गई, ठीक है, वन हुई, प्रिंट करेगा टू इंटू वन टू, ठीक है। उसके बाद फिर से इसमें वापस जाएगा साली में, अभी क्योंकि खत्म नहीं हुआ है, फोर तक जाना है, अब जे की वैल्यू जाएगी टू, ठीक है, अब हो जाएगा टू इंटू टू फोर, ठीक है। अब उसके बाद फिर से जे की वैल्यू जाएगी थ्री, तो थ्री इंटू टू सिक्स, ठीक है। जैसे ये वाला रेंज अब खत्म हुई, वो वापस ऊपर गया, अब आई की वैल्यू टू से बढ़कर के हो गई थ्री, ठीक है ना, फोर तक है, मतलब थ्री तक जाएगी जाएगी, आई की वैल्यू अब थ्री हो चुकी है। अब जैसे एंटर किया जे में मिला आपको वन, ठीक है ना, तो अब थ्री इंटू वन मतलब थ्री, अब उसके बाद फिर से जे की वैल्यू बढ़ी टू हो गई, तो थ्री इंटू टू सिक्स, उसके बाद फिर से जे की वैल्यू बढ़ी अगला थ्री पे पहुंचा जे, और थ्री इंटू थ्री नाइन, भाई ये इंटू तो कर रहे हैं ना, इंटू लगा हुआ है साइन, ठीक है ना, तो मैं इंटू कर रहे हैं, और उसके बाद ये खत्म होगा। जैसे ये खत्म हुआ ऊपर आया, यहाँ देखा कि रेंज आपकी हो चुकी कंप्लीट, वन से थ्री तक ही जाना है, और आपका आउटपुट टोटल ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक। नेस्टेड लूप में सिंपल सा है कि आप एक लूप के अंदर दूसरे उसकी बॉडी में जब एंटर करते हो तो दूसरा लूप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। हमने यहाँ दो लूप यूज किए हैं, आप उसके अंदर आपने जो सेकंड लूप यूज किया उसके अंदर भी आप तीसरा लूप यूज कर सकते हो, फिर इसमें चौथा लूप यूज कर सकते हो, तो वन बाय वन एक एक कंडीशन क्या है इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला ये वाला वर्ड आया वन बाय वन कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद ही उसके ऊपर वाला लूप बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग तीन तीन लूप ले लेते, मान लीजिए तीन फॉर लूप लगाते, इसके बाद भी एक फॉर लूप यूज करते, तो क्या होता है कि पहले वो कंप्लीट होता सारा, जैसे ये कंप्लीट होता वन से लेकर थ्री तक के जा रहा था प्रिंट कर रहा था, उसके बाद जे वाला कंप्लीट होता, उसके बाद जे कंप्लीट होने के बाद फिर ऊपर से वन वाला बढ़ता, तो एक सीरीज चलती वन बाय वन, ठीक है ना, इंक्रीमेंट की। बाकी कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा ये चीज है कि आपको इंक्रीमेंट देखना है और ये देखना है कि किस हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो पैटर्न हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि अगर कोई स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, जैसे कुछ इस तरीके से पैटर्न प्रिंट हो हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से पैटर्न हमारा प्रिंट हो जाए, और भी अलग अलग डिजाइन सेफ है इसके, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग ये नेस्टेड लूप का ही यूज करेंगे, ठीक है।
बाकी बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।